झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे आज का राशिफल, शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार। जानेंगे कि आज आपके सितारे क्या कहते हैं, राशिफल कैसा रह सकता है और ज्योतिष के आधार पर कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जिस हिसाब से अगर ओमिक्रॉन पैर पसारते नजर आ रहा है भारत के अंदर, और अगर आपको भी ये डर है कि कहीं आपकी दुकान एक बार फिर से बंद ना हो जाए, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप। करना छोटा सा ये काम होगा, माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड करना है और इस पर अपनी दुकान रजिस्टर कर लेनी है। जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है या किसी तरह का कोई कंपनी रजिस्टर करनी है। सिंपली आपको बस ऐप पर अपना स्टोर रजिस्टर कर लेना है, जो भी आप सामान बेचना चाह रहे हैं उसके नाम का, और अपने प्रोडक्ट्स चढ़ा के लाइव कर देने हैं, जिससे आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। लॉकडाउन में भी घर बैठे बैठे आप अपनी दुकान चला भी सकते हैं और अपनी ग्राहकी भी यानी सेल भी बढ़ा सकते हैं। तो तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की, और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। सुप्रभात मार्केट टाइम्स के दर्शक बंधुओं, अखिलेश राठी जी, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो मैच डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से ये विशेष प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है। आज 29 दिसंबर 2021, आज की जो ग्रह स्थिति है उसमें चंद्रमा तुला राशि के अंदर है, मंगल और केतु का वृश्चिक राशि में संगम हो रहा है, सूर्य धनु राशि में है और मरकरी यानी बुध ने राशि परिवर्तन कर मकर राशि के अंदर शुक्र और शनि का साथ पकड़ा है। गुरु कुंभ राशि के अंदर है और राहु वृषभ राशि में है, केतु से 180 डिग्री की दूरी पर। ये सब ग्रह संयोग मिश्रित रूप की रचना कर सकते हैं। आज जहां तक राशियों का सवाल है, कौन सी राशि आज मुनाफा कमा सकती है और कौन सी राशियां आज नुकसान की तरफ धकेली जा सकती हैं और कहां में निश्चित एक रुख रहेगा, उसे मैं आपको रूबरू करा देता हूं। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों यानी 4 एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 या मेष, सिंह और धनु राशि, आज आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। चंद्रमा त्रिकोण में रहकर, चंद्रमा आपकी जो 30 यानी मेष राशि से 7वां चंद्रमा है, सिंह राशि से 3रा मतलब 11वां चंद्रमा है, और ये सब जो राशि जो है आपके लिए मिश्रित रूप के साथ साथ में सकारात्मक रूप दिखाती है। लेकिन 2, 6, 10 यानी वृषभ कन्या और मकर राशि, आपके लिए दिन थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच में। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, चंद्रमा आपके केंद्र में है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि मिथुन और कुंभ राशि को देखें जो चंद्रमा यहाँ से त्रिकोण का योग बना रहा है, तो ये मिश्रित रूप की तरह इशारा कर रहा है, आपको सावधानी अतिरिक्त रखनी है। 4, 8, 12 यानी कर्क राशि और मीन राशि, आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है। जी अखिलेश जी, जी तो ये तो मैंने कर्नल अजय जी से जाना था कि आज का राशिफल कैसा रह सकता है, कौन सी राशि लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, किन राशियों को बच के चलने की जरूरत है। यहीं से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब कमोडिटी बाजार की। कर्नल अजय जी, यहां से अगर बात करें, अगर कमोडिटी बाजार में सबसे पहले एग्री कमोडिटीज की, तो एग्री कम्युनिटीज में हम देख रहे हैं कि बिनौला खल 3000 के करीब जाता नजर आ तो रहा है, लेकिन आज कुछ करेक्शन भी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, यहाँ से तेजी आएगी या फिर यहाँ से अभी थोड़ी सावधानी बरतें और प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आ सकती है कहीं ना कहीं? देखिए अखिलेश जी, आपको याद होगा कि हमने आपको पहले आगाह किया था और पहला भी क्योंकि यही कहा था कि कब कॉटन के अंदर जो मूवमेंट बन रही है उसको उसके उसके हिसाब से जो संभावना है
कॉटन की जो आवक है, कॉटन की जो अराइवल है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से अलग अलग कमोडिटीज के ऊपर, खासकर जो कपास से रिलेटेड है, जैसे कॉटन सीड ऑयल है या कॉटन सीड ऑयल केक है, यानी कपास के लिए, और उसका लगभग 2985 और 3000 और कुछ स्पॉट के अंदर तो बहुत ऊंचे दाम के अंदर कपास खली की बिक्री लगातार सूचना मिल रही है अलग अलग देश के हिस्सों से। लेकिन आज जो संभावनाएं बन रही हैं वो कपास खली के अंदर मुझे कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना नजर नहीं आ रही है। आज कपास खली के अंदर गिरावट हो सकती है, मुनाफा वसूली हो सकती है, क्योंकि कोई भी लाइन एक तरफा कभी भी नहीं चलती, ये बाजार का नियम है। और कहां पर मुनाफा वसूल कर लेना है, कहां पर रुक जाना है, और अक्सर व्यापारिक निर्णय जब माल गिरावट में हो, यदि आप उस समय खरीदते हैं और तेजी में बेचते हैं, यही व्यापार का नियम भी है। तो बाजारों के अंदर तेजी अपेक्षित थी और जिसका हमने लगातार आपको पिछले कई एपिसोड के अंदर खुलासा भी किया था, लेकिन आज मुझे लगता है कि कपास खली के अंदर मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं, इसके अंदर गिरावट हो सकती है। और एक विशेष विश्लेषण भी मैं आपसे को बताना चाहूंगा कि कपास खली में क्या होगी मुनाफा वसूली, बड़ी मुनाफा वसूली या फिर और लंबी तेजी, इसके ऊपर हमारा एक विशेष एपिसोड भी हम मार्केट टाइम्स में लेके आएंगे दर्शकों के लिए। ये भी एक महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कपास खली के अंदर आज मुनाफा वसूली बन सकती है। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि आज कपास खली में कर्नल अजीज के मुताबिक मुनाफा वसूली बनती नजर आ सकती है। हम देख भी रहे हैं कि आज कपास खली में हरे निशान से अब लाल निशान में तब्दील होती नजर आ रही है, और हो सकता है कि आज जो गिरावट है वो थोड़ी और ज़्यादा गहरा जाए, जैसे कर्नल अजय जी ने बखूबी बताया। यहीं से कर्नल अजय जी, बात करें अगर गवार की, तो हमने गवार सीड में भी देखा है कि तेजी के बाद आज कुछ हल्की नरमी बनती नजर आई है, प्रॉफिट बुकिंग गवार सीड के भी अंदर है। तो आपको क्या लगता है, गवार में दो दिन की गिरावट फिर उसके एक दिन बाद तेजी, क्या ऐसे उठापटक अभी आगे भी जारी रहेगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी दर्शकों को अवगत कराया था, गवार सीड एक छोटी कमोडिटी है, बहुत सीमित दायरे के अंदर और सीमित लोगों के हाथ में इसका कारोबार अधिक रहता है। पूरे देश में इसका समान रूप से कारोबार होता नहीं है। यह पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के किसान और कारोबारी बंधु इसके अंदर कार्य करते हैं, और इसका उत्पादन भी लगभग इन्हीं इलाकों में होता है, वो पश्चिमी राजस्थान हुआ, कुछ हरियाणा के इलाके है और गुजरात के अंदर है। तो बहुत सीमित दायरे के अंदर चलने वाली एक छोटी कमोडिटी है, और इसके अंदर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज काफी बढ़ जाती है। और ये भी गौरतलब है कि भारत गवार सीड का एक प्रमुख निर्यातक देश है, और प्रमुख क्या, मैं तो ये कहूंगा कि एकाधिकार जो है वो भारत का है, और कुछ थोड़ा पाकिस्तान इसमें निर्यात करता है। तो पाकिस्तान के भाव भी भारतीय गवार के आधार पर ही चलते हैं, तो एक महत्वपूर्ण ये रहता है। और दूसरा, जो इसके अंदर गवार सीड के अंदर जो मंदी है या तेजी है, इसको बहुत लंबे समय तक स्थायी रूप में अक्सर नहीं रहती है। अचानक से कुछ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए, उसके अंदर नीचे के सर्किट लग गए, अचानक कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, ऊपर के सर्किट लग गए, इस तरह से ये गतिविधियां चलती रहती है। आज गवार सीट के अंदर कमजोरी की संभावनाएं बन सकती है, इसके अंदर दबाव की संभावना अधिक नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त एक, मैं यदि आपकी इजाजत हो तो मैं लाल मिर्च के ऊपर एक अपडेट देना चाहता हूं अपने दर्शकों को। जी अखिलेश जी, जी जी कर्नल जी, लाल मिर्च के आप कुछ बताना चाह रहे हैं? जी, मसाला पैक के अंदर लाल मिर्च के अंदर देखिए बहुत शानदार तेजी बनी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और उसके अंदर, लेकिन अब लाल मिर्च के अंदर ग्रह स्थिति अनुसार कह लें, फंडामेंटल एनालिसिस कह लें, उसके मुताबिक जो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, जो कि इसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर माना जाता है, वहां पर नई लाल मिर्च की आवक के अंदर लगभग 40,000 बोरी आ चुकी है। बेडकी कर्नाटक में लगभग 1.43 लाख बोरियों का के आसपास की आवक है, और लगातार खबरें यही मिल रही हैं कि लाल मिर्च के अंदर कुछ आवक अच्छी बन रही है। और अभी लाल मिर्च के अंदर जिन कारोबारियों ने काम किया था, जिन हमारी सूचना पे हमने दी थी, विश्लेषण दिया था, और बड़ी तेजी इसमें दर्ज हुई, मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए लाल मिर्च
लाल मिर्च के अंदर अब मुनाफा वसूली हो सकती है स्पॉट प्राइसेस के अंदर। तो लाल मिर्च के जो कारोबारी हैं मसाला पैक के, उनको अपना मुनाफा वसूल करना चाहिए और ऊपरी भाव, ऊपरी स्तर के ऊपर जो ये माल है उसको बेचने में अब उचित रहेगा, क्योंकि कारोबार के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप खरीद और फरोख्त, यानी खरीदारी और बिकवाली, खरीदना और बेचना, बाय एंड सेल, ये सतत प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। एक ही टाइम पे बाय 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 या एक ही में सेल सेल सेल, वो व्यापार नहीं है, वो व्यापार नहीं है। व्यापार ऊंचा आएगा ऊंचा बिकेगा, नीचे आएगा नीचे बिकेगा, इसी धारणा से चलता है। तो जो मसाला पैक के जो कारोबारी हैं उनको यही सलाह है कि हमारी गणनाओं के हिसाब से लाल मिर्च के अंदर अब कुछ मुनाफा वसूली की संभावना बन सकती है, ऊपरी स्तरों से गिरावट की संभावना बन सकती है। तो अतः अपना उसके हिसाब से आप ट्रेड आप देख सकते हैं। जी अखिलेश जी, जी ये से कर्नल जी बात करें अगर अब नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो नॉन एग्री में आपको क्या लगता है आज किन नॉन एग्री कम्युनिटीज में लाभ या मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है? देखिए आपको याद होगा कल हमने आपको बुलियन के ऊपर एक चर्चा की थी, आपको यही कहा था कि बुलियन के अंदर हमें बिकवाली की मैं सलाह नहीं दूंगा। और कल बुलियन ने बड़ा अच्छा मूवमेंट दिया, गोल्ड और सिल्वर ने बहुत शानदार मूवमेंट दिया, 63,000 से ऊपर तो चांदी ने भी दर्ज किया। आज मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर और नेचुरल गैस के अंदर जो है वहां पर थोड़ी सी खरीदारी की संभावनाएं बन सकती हैं। कच्चे तेल और नेचुरल गैस के जो कारोबारी हैं नॉन एग्रो कम्युनिटीज के अंदर, उनको यही सलाह है कि बिकवाली करने से बचें, आज हो सकता है कि वहां पे तेजी दर्ज हो जाए। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में आज कुछ तेजी की संभावना कर्नल जी के मुताबिक नॉन एग्री कम्युनिटीज के बाजार में बनती नजर आ सकती है। यहीं से कर्नल जी बात करें अगर अब शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में आपको क्या लगता है आज शेयर बाजार में ओवरऑल कैसा कारोबार रहेगा और किन शेयरों में आज मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए शेयर बाजार के अंदर उठाक पटक जारी है, आज भी देखें तो निफ्टी अभी 17,250 पे ट्रेड कर रही है और इसने काफी उतार चढ़ाव भी देखा गया। सेंसेक्स में भी लगभग 90 पॉइंट की तेजी है, निफ्टी बैंक की तरफ देखें तो इसमें 71 पॉइंट की तेजी है और आईटी निफ्टी भी लगभग 57.80 पे से तेजी निर्देश कर रही है। आपको याद होगा कल हमने रिलायंस के ऊपर बात की थी कि रिलायंस हमें थोड़ा सा ठीक लग रहा है, रिलायंस के अंदर आज थोड़ी सी मजबूती है। इसके अलावा रेडिको खेतान के ऊपर भी कल चर्चा की थी, उसके अंदर भी तेजी है और एक वेल्सपन इंडिया के ऊपर भी चर्चा की थी, उसके अंदर भी तेजी है। आज यदि आप देखें कि यदि आप टॉप लूजर और टॉप गेनर को देखें तो एक बिल्कुल स्थिति लगभग साफ सी होती नजर आएगी कि इसके अंदर आज निश्चित रुख नजर आ रहा है, बाजारों के अंदर कोई एक एक ट्रेंड नहीं दिखा रहा है, ये लगातार मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रहा है। फार्मा स्टॉक थोड़े से ठीक चल रहे हैं, इसके अतिरिक्त ऑयल एंड गैस स्टॉक थोड़े से अच्छी मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं और जबकि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मिश्रित रुख की तरफ इशारा है। और आज शुगर स्टॉक्स के अंदर अच्छी मूवमेंट बन रही है, चाहे त्रिवेणी हो, चाहे राणा शुगर हो, चाहे ये आंध्रा शुगर हो, इनके अंदर आज थोड़ी सी तेजी की संभावना बनती है, शुगर स्टॉक्स के अंदर तेजी है। लेकिन मेटल स्टॉक्स के अंदर टाटा स्टील और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के अंदर थोड़ी सी कमजोरी की संभावना नजर आ रही है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि एक और विशेष बात है कि लगातार जो है क्योंकि इसका कैलेंडर ईयर का अंतिम कारोबारी सप्ताह है, 52 वीक है, तो यहाँ पे अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए, यहाँ पे बचना चाहिए बहुत तेजी से इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। मैं तो यही कहूंगा कि यदि कोई भी ट्रेडर है तो अभी निवेश के मानस से यदि वो ट्रेड कर रहा है तो बेहतर रहेगा, चाहे वो अडानी एशियन पेंट हो, चाहे BPCL हो, या ब्रिटानिया हो, या सिप्ला हो, इन कंपनियों के अंदर अच्छी नजर रख सकता है। और लेकिन निवेश का नजरिया होना चाहिए कम से कम 1 से 1.5 महीना, संभवतः जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद में थोड़ी सी गतिविधियां प्रॉपर होंगी, FIs भी वापस आएंगे, विदेशी संस्थागत निवेशक भी छुट्टी काट कर वापस आएंगे, उस वक्त पुनः एक बार मौका मिलेगा। लेकिन अभी तो थोड़ा वेट एंड वॉच का समय है और अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को निचले स्तर पर खरीदने का समय है, लेकिन ट्रेडिंग से बचने की सलाह है। जी अखिलेश जी, जी तो बहुत शुक्रिया कर्नल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
तो कुछ ऐसा रह सकता है आज आपका राशिफल, शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।